कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करने पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीजीपी ने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए, साथ ही कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसका विशेष ध्यान देने की बात कही। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बीच बैठक करते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीजीपी ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कांवड़ मेला पुलिस प्रशासन के लिए हमेशा ही बड़ी चुनौती रहा है। कांवड़ मेले की समाप्ति के बाद सोमवती अमावस्या का स्नान भी है, इन सभी चुनौतियों के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं, इसलिए कांवड़ मेले में 8,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। कांवड़ मेला पुलिस के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती की हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम अपने सेक्टर जोनल और सुपर जोनल अधिकारियों की ब्रीफिंग की है हमने और निर्देश दिए हैं कि कैसे इसको सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है, कैसे हमें दृढ़ता से ड्यूटी करनी है, किंतु साथ ही साथ हाथ जोड़ करके ड्यूटी करनी है, दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, संयम बरतना है और ड्यूटी को बहुत अच्छे से करके दिखाना है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।